आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेल के बारे में बताने लगती हूँ। सेल क्या होता है? सेल को हम कोशिका कहते हैं। तो जो सेल होती है वो जीवन की मूल इकाई होती है। सेल से ही जीवन शुरू होता है। तो सेल होता क्या है? जो आपका सेल है वो एक जीव जो होता है, जो कि सजीव है, यानी कि जिंदा है। तो वह जीव जो सजीव है, जिनकी सांसें चल रही हैं, जो जिंदा है, तो जो सेल है जिंदा सजीव वस्तु में, पदार्थ में पाया जाता है। उसके अंदर रचनात्मक व क्रियात्मक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब जो चीज जिंदा है तो उसमें रचनात्मक के तौर पे कह सकते हैं कि वृद्धि का होना, यानी बड़ा होना, छोटा होना, घटना बढ़ना चीजों का, ये कह सकते हैं कि रचनात्मक क्रिया हो गई। और दूसरा आपका आता है कि क्रियात्मक में जो हम क्रिया करते हैं, यानी कि जैसे चलना फिरना, खाना पीना सोना, ये सब आपकी क्रियाएं हो गई। तो वो जीव जो हमारे जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है, इसके अंतर्गत रचनात्मक क्रियात्मक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब अतः वह स्वयं जन्म करने की क्षमता रखते हैं। तो जो सेल है तो जन्म करने की क्षमता, यानी कि वो खुद से अपने जैसी दूसरी प्रतिकृति तैयार करने में समर्थ है, क्षमता रखती है। तो जो सेल है वो एक जिंदा चीज है, सजीव में पाई जाती है और स्वयं जन्म करने की क्षमता रखती है। अतः पदार्थों की वो सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब शुरुआत ही होती है एक सेल से, जिसके अंदर जीवन की सभी मूल क्रियाएं संपन्न होती है, जिसको हम सेल या कोशिका कहते हैं। तो चीजों को ऐसे समझें कि जो हमारा बॉडी है वो पहले एक सेल से बना, एक सेल से दो, चार, दस, सौ, फिर हजारों, फिर लाखों और फिर करोड़ों। तो पूरी बॉडी जो है सेल के निर्माण से ही उत्पन्न हुई, यानी मूल इकाई जो है, पहली इकाई वो सेल जो है निर्माता है क्रियात्मक चीजों का। तो बात समझ में आ गई? हम ही लोगों को नहीं, जो जिंदा जितनी भी सजीव है, पेड़ पौधे हो गए, हम लोग हो गए, मानव जीवन हो गया, पक्षी हो गए, तो जिनके अंदर सांसें चल रही हैं, जिनके अंदर सभी क्रियाएं हो रही हैं, खाने पीने उठने जीवन जीने जनन करने की, तो वो सब जिंदा है। तो वो सेल के द्वारा ही स्टार्ट हुई, सेल ने उसे निर्माण किया है। अब बात आती है सेल को हम साइटो से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को साइंस की भाषा में साइटो से कहेंगे। और जब किसी चीज का अध्ययन करेंगे कि स्टडी ऑफ सेलोलॉजी से, तो जो सेल का अध्ययन होगा वो साइटोलॉजी से होगा, यानी कि जो सेल है उसको हम साइटोलॉजी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेल का अध्ययन करेंगे साइटोलॉजी में। अब बात आती है कि ये सेल आया कहाँ से, मतलब खोज किसने की? तो जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मृत कोशिकाओं, जो चीजें जो है मर गई थी, डेड सेल्स थे, तो इन्होंने ये देखा एक अध्ययन के दौरान, भौतिक शास्त्री रहे हैं, इन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसी चीज है जो जिंदा है, जीवित है। तो डिस्कवर बाय सेल रॉबर्ट हुक कब की? 1665 में इन्होंने फॉर्म इन डेड सेल के रूप में इसकी खोज की थी। अब आपके ये खोजकर्ता हो गए रॉबर्ट हुक। उसका भी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक मृत कोशिकाओं के रूप में, जब मृत कोशिका में, ये बात समझ में आ गई कि कोशिका नाम की कोई चीज है, सेल नाम की, जिसे कोशा कहते हैं। अब बात ये आए कि इसमें होता क्या है? तो जो चीजें जिंदा है, अभी आपको मैंने बताया डेफिनेशन में, जो जिंदा है, तो लिविंग सेल की पूरी खोज पहली बार जो जिंदा सेल है ये ज्ञात हो गया, तब पहली बार खोज की एंटनी वॉन ल्यूवेनहक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1674 ईस्वी में इस चीज की प्रतिपुष्टि की, यानी खोज की कि हाँ सेल है और जिंदा है, पहली बार 1674 ईस्वी में। किसने की? एंटनी वॉन ल्यूवेनहक। ओ
ऑस्ट्रिच यानी पक्षी जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे में, सबसे बड़े अंडे की शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है, वो माइक्रोट्रॉफी। ये मुनेरा जगत से लिया गया है जिसमें हमने संघों का अध्ययन जो किया है उसको विभाजन करके रखा गया है, तो वो मुनेरा जगत है जिसमें अलग अलग डिवाइड ऐसे जीवों को रखा गया है। तो सबसे छोटी जो सेल है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। अब बात आती है ह्यूमन बींग की, चूँकि सेल तो सब में पाए गए हैं और हम लोगों में पाए गए हैं, तो इन ह्यूमन हम लोगों में जो सेल है सबसे बड़ी सेल लंबी तो ऐसी लंबी हो जाएगी, और बड़ी मतलब आकार में बड़ी, ठीक है। तो सबसे बड़ी सेल जो है वो ओवम, ओवम कहते हैं जो फीमेल होती है फीमेल गैमेट्स को। तो जो फीमेल गैमेट्स की जो बात आती है तो जो इकाई ओवम है अंडाणु, जो अंडाणु होती है वो सबसे आपकी बड़ी इकाई है। और अब बात आती है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, छोटी जो सेल होती है ह्यूमन बींग में वो सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म। ये कहाँ पाई जाती है, आपके फीमेल यानी सॉरी मेल गैमेट के जो इकाई शुक्राणु होता है, तो शुक्राणु ह्यूमन बींग की सबसे छोटी इकाई है। अब आपकी इन ह्यूमन बींग लार्जेस्ट सेल जो लंबी यानी कि लंबाई में लेंथ, तो इन ह्यूमन में जो लार्जेस्ट सेल है वो आपकी पाई जाएगी न्यूरॉन्स में। जो आपका ब्रेन है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो आप ह्यूमन बींग की सबसे लंबी इकाई होगी।